Hey everyone. Hello people, am I audible and visible? So sorry for late. There was some issue in the OBS. Once again, technical error. Can't help. Am I audible and visible, everybody? Let me know once I'm audible and visible. And once again, so sorry. Because I couldn't start. Some issue was there on the... Let me check. Hi, Calm. Hi, dear. चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देर इज़ अ लाइव क्विज ऑन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ये चैप्टर ऐसा है जिसमें बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है. हाई डियर, हेलो हर्षद, हाई डियर. एंड वंस अगेन प्लीज शेयर एवरी वन विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है. और आई नो क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, लाइक 20 मिनट्स लेट, बिकॉज देर वॉज सम इशू, टेक्निकल इशू, सो आई कुडंट फिक्स इट ऑन द टाइम. तो बिग अपोलोजाइज फ्रॉम माई साइड. चलो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से. तो दे यू कैन सी आज हम क्या करने वाले हैं. आज हम लाइव क्विज करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पर. मुझे एक मिनट सारे बच्चों के साथ एक बार शेयर करने दो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर वंस अगेन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग. दिस इज ज्योति शर्मा, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड राइट नाउ आई एम प्रेजेंटिंग हियर ऑन अकेडमी, एंड यू आर वॉचिंग ऑन अकेडमी चैनल नीट अकेडमी ऑन द यूट्यूब क्लासेस. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द बंपर ऑफर. बहुत सारे अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है, लेकिन हम पहले क्विज करेंगे. ओके, सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है. राइट हियर the first question you can see on screen, the pivot joint between atlas and axis is a type of. तो आपको पता है pivot joint का मतलब क्या होता है. अगर आपको ये पता है कि pivot joint क्या होता है, तो आपको ये भी पता होगा कि किस टाइप का joint होता है. fibrous joint, synovial joint, saddle joint and cartilaginous joint. तो जल्दी से मुझे comment box में answer लिख के बता दो फटाफट से सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, जल्दी 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 बता दो. और फिर हम धमाकेदार quiz को start कर रहे हैं अभी और आगे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह. तो लास्ट तक बने रहना सारे बच्चों को. और मुझे लगता है कि आई एम नॉट ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली. लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ चल रहा है. आई डोंट नो क्या गड़बड़ चल रहा है. यस, बी बी आंसर आ चुका है. गुड काम राइजर, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस आंसर. यस डियर, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा, वो हमारा है साइनोवियल जॉइंट. गुड आंसर, वेल डन वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी This iron is responsible for unmasking of active sites for myosin and cross bridge activities during muscular contraction. ठीक है डियर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो उस टाइम पे आपको पता होगा एक क्रॉस ब्रिज करके वहां पे एक कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है. तो आपको बताना है कि कौन सा आयन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. पोटेशियम, सोडियम एंड कुछ और. आशीष ने सी आंसर दिया है, वेरी गुड. ओके, लेट मी चेक. यस, गुड आंसर आशीष. एंड वंस अगेन, ओके, वेरी गुड वेरी गुड. यस, कैल्शियम इज द मेन कॉम्पोनेंट जहां पर क्या होता है, क्रॉस ब्रिज बनने के लिए वो पॉसिबल करता है. आपको पता है एक्टिन और मायोसिन दोनों के, दोनों जब एटीपी प्रोडक्शन होता है तो वहां पे क्रॉस ब्रिज बनता है. ओके, वेरी गुड, दैट्स स्टार्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी ऑन स्क्रीन. लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इज सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रेक्शन इज नोन एज. तो रिलैक्सेशन जब बॉडी में नहीं होता है, तो वहां पे सक्सेसिव स्टिमुलाई मिलते हैं हमारी मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैटिक बोलते हैं, टोनस बोलते हैं, टेटनस बोलते हैं, या फिर बोलते हैं स्पैज. जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या आंसर. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड. यस यस यस, सी इज द करेक्ट आंसर, टेटनस इज द करेक्ट आंसर. काम राइजर, यू आर रॉकिंग, आप तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट. तो हमारे जो मसल फाइबर होते हैं, उसको जो स्टिमुलेशन मिलता है मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा,
वो कहाँ मिलता है? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में, मायोफाइब्रिल में, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स में, या फिर मिलता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में? तो आपको यहाँ पे बताना है। आशीष ने डी आंसर दिया है, ओके दैट्स वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। लगता है आपकी नीट की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, दिख रहा है आशीष एंड कामराइजर, बहुत बढ़िया। यस डियर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में लाइन बहुत अच्छे से लिखी हुई है, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है। चलो, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द लोकोमोशन इन द ह्यूमन बींग। और ये क्वेश्चन नीट 2013 में आ चुका है, मतलब आज से करीब 8 साल पहले आ चुका है। तो जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे बता दो कि कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। हाय अनिशा, हाय डियर, हेलो डियर, हाय, जल्दी जल्दी बताओ, अभी तक मुझे आंसर नहीं आया है। ओके, कामराइजर ने बी आंसर दिया है, लेट मी चेक हियर। ओके, देखते हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इनकरेक्ट नहीं ढूंढना है, लोकोमोशन। तो देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट, देयर इन्फ्लेमेशन, अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कैन ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट वर्टिब्रेट डजंट। ओके, तो करेक्ट आंसर जो क्या है हमारा, ओ सी, बी, सी बी, जॉइंट बिटवीन एजेस एंड वर्टिब्रा इज अ फाइब्रस जॉइंट। अरे ये तो सही है बेटा, सी वाला तो सही है, करेक्ट आंसर, करेक्टो 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 करेक्टो, बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर्स इज ड्यू टू। स्केलेटल मसल्स में आपको पता है एच जोन होता है, तो वो किस वजह से होता है? सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड, एक्सटेंशन ऑफ मायोफाइब्रिल फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, एंड सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडेड थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। ओके, वेरी गुड, चलो देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। यहाँ पे एच जोन कहाँ बनता है आशीष, बताइए कहाँ बनता है एच जोन? डी आंसर है, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चों का भी डी आंसर है यहाँ पे, वेरी नाइस आंसर, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। यस डियर, यस, अच्छा अनिशा ने ए आंसर दिया। देखो, एच जोन कहाँ बनता है? सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट एंड द ए बैंड। नहीं डियर, ए बैंड के बीच में तो नहीं होता है, ठीक है, आपको याद होगा इस तरीके से बैंड्स होते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरीके से, तो यहाँ पे बीच में एच जोन बनता है, ठीक है, और उच्च एच जोन में सिर्फ एक बैंड नहीं आता है, उच्च एच जोन में कितने आते हैं? दो बैंड्स आते हैं, राइट। तो ओके, आशीष ने बिल्कुल सही आंसर दिया, यस डी इज द करेक्ट आंसर, करेक्टो करेक्टो करेक्टो। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, जब भी मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ऐसे केस में क्या होता है? नीट 2030 का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, ह्यूमन बींग्स में ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन व्हाट हैपेंस? अनिशा मिश्रा ने मैश्रम, ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया सरनेम है अनिशा आपका, मैश्रम। ओके, तो ह्यूमंस के अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन जब होता है तो उस केस में क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट हो जाते हैं, ए आई एंड एच बैंड शॉर्ट हो जाते हैं, ए बैंड शॉर्ट हो जाते हैं, या फिर सार्कोमेर डज नॉट शॉर्टन। तो बताइए जल्दी से कौन सा क्वेश्चन होगा करेक्ट डियर? यहाँ पर क्या होता है कि जो ए बैंड्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, सी, बिल्कुल कामराइजर, बहुत बढ़िया आंसर माय डियर, यस, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, यस यस यस, मुझे तो बहुत जोश आ गया आपकी प्रिपरेशन देख के और आपके करेक्ट आंसर्स देख के। तो अभी तक सारे बच्चों के सब ही सही आंसर आए। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। द गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एज रिलेटेड शॉर्टनेस ऑफ द मसल्स, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन द बोन मास एंड द हायर चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर विद एजिंग एंड मायास्थीनिया ग्रेविस एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर व्हिच इनहिबिट द स्लाइडिंग ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, करेक्ट आंसर बताना है। लेट्स सी, आशीष ने सी आंसर दिया है, कामराइजर ने भी सी आंसर दिया है, सो लेट मी चेक, इज इट ट्रू? ओके, अच्छा गाउट की हम बात करते हैं तो देखो, नहीं ये कैल्शियम से तो लेना देना कुछ है नहीं गाउट का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये एज रिलेटेड तो है, लेकिन यहाँ पे मसल्स, ओके, ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन द बोन मास, नो डियर, ऑस्टियोपोरोसिस में तो पोर्स हो जाते हैं, यस, ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप, बिल्कुल सही आंसर। अभी तक मतलब इतने सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, लेकिन अभी तक लाइव आने, लाइव बच्चों का और लाइक करने वाले बच्चों का रेशियो मुझे सेम नहीं लग रहा है। जल्दी से लाइक कर दो सारे बच्चे, लेट नहीं करना बिल्कुल भी, जल्दी जल्दी लाइक कर दो सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्टेन पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। तो जब भी कोई नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन का बारे में बात करी जाती है तो उसके बारे में आपको करेक्ट बात बतानी है।
Glenoid cavity is a depression to which thigh bone articulate. First vertebrate is axis which articulate with the occipital condyles. The 9th and 10th pair of the ribs are called the floating ribs. And the parietal bone and the temporal bone of the skull are joined by the fibrous joint. So, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? जल्दी से ध्यान से देखो. ओके, चलो डी आंसर आ चुका है. मैं आपको बताती हूँ, ग्लीनॉइड कैविटी जो होती है ना बच्चा, वो थाई बोन से रिलेटेड नहीं होती है, वो तो तुम्हारे शोल्डर से रिलेटेड होती है, अगर आपको याद आ रहा हो. ठीक है, तो दैट्स व्हाई द ए ऑप्शन इज रॉन्ग. फर्स्ट वर्टिब्रेट जो होती है वो एक्सिस नहीं होती है, वो एटलस होती है. ओके, और उसके बाद जो होता है वो नाइन्थ एंड टेंथ पेयर रिब्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स नहीं रे बाबा, फ्लोटिंग रिब्स तो तुम्हारे 11th एंड 12th पेयर होते हैं. इसके बाद पराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन स्कल के हैं, बिल्कुल सही आंसर. पराइटल एंड टेम्पोरल बोन आपके स्कल्स में यहाँ पे मौजूद होते हैं लाइक दिस, और उनके बीच में इस तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइब्रस जॉइंट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर. बच्चे मेरे से भी एडवांस है, क्या बात है, बहुत बढ़िया लगता है. दिस आइटम गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर. ऐसा कौन सा आइटम है जहाँ पे टोटल नंबर के बारे में बता रहा है? अमीनो एसिड प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, क्या वो 16 होते हैं? फ्लोटिंग रिम्स जो ह्यूमन में होती है, क्या वो 4 होती हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रेट जो होते हैं ह्यूमन्स के अंदर, क्या वो 8 होते हैं? और टाइप ऑफ डायबिटीज जो होते हैं, क्या वो 3 होती हैं? तो आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर. जल्दी 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 सारे बच्चे बता दीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए. बी. ओके बच्चा आशीष, बिल्कुल सही, यू आर रॉकिंग डियर. और बाकी बच्चे भी काम राइजर जो हैं वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं. एक सेकेंड है, लेट मी चेक. हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्लोटिंग रिब्स मैंने अभी अभी बताया ना कि 11th एंड 12th पेयर जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स का होता है. तो 2 11th हो गया, 2 12th हो गया, तो टोटल नंबर आपका कितना होता है? 4 होता है. दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज बी. व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर क्या होता है? करेक्ट करेक्ट आशीष, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है. सार्कोमियर क्या होता है? पार्ट बिटवीन टू एच लाइन, पार्ट बिटवीन टू ए बैंड, पार्ट बिटवीन टू आई बैंड एंड पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन. ओके, मुझे लगता है कि इसका बच्चा सही आंसर दे पाएंगे. सार्कोमियर, वेरी गुड काम राइजर. व्हाट्स योर नेम? चलो कोई अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो यू कैन शेयर योर नेम इन द कमेंट बॉक्स. ओके, तो सार्कोमियर जो होता है डेफिनेटली वो दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है उसको सार्कोमियर होता है. और आपको ये भी पता होगा कि उसी सार्कोमियर में हम देखते हैं कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं. राइट, आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is a skull bone? Skull bone कौन सी होती है? Atlas, Coracoid, Artenoid and Pterygoid. तो भैया दो नाम तो सुने सुने लग रहे हैं, लेकिन दो नाम तो कुछ भी सुने हुए नहीं लग रहे हैं. Let's see. A. A तो skull bone नहीं है. A तो जो है atlas and axis, ये तो तुम्हारे ribs की bone होती हैं. Sorry, not ribs की. Backbone. ठीक है? Vertebral column. तो बैकबोन की ये बोन होती है, एटलस एंड एक्सिस. स्कल बोन की बात हो रही है, स्कल आपको पता होगा, दिस इज द स्कल. ठीक है, स्कल बोन की बात हो रही है यहाँ पे. जल्दी 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 बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर. कामराइजर ने ए आंसर दिया है, कामराइजर ने बी आंसर दिया, आशीष ने भी आंसर दिया है. बी 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 बी. आर यू श्योर? चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क में डाल लो, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ. जल्दी 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 होमवर्क में डाल लो. ठीक है, या फिर मैं आपको मुझे याद दिला देना कि मैं इसको एंड में एक्सप्लेन करूंगी. कुछ क्वेश्चन होमवर्क में तुम्हें होना चाहिए ना, कुछ काम लेकर जाओ क्लास से. ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन के दौरान एटीपी ब्रोक डाउन हो जाता है, एटीपी बनता है, जीटीपी ब्रोक डाउन हो जाता है, या फिर कुछ भी नहीं होता है. जल्दी से बताओ कि मसल कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है? या लैरिंग्स? कामराइजर बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, पर वो क्वेश्चन आपके होमवर्क में था. ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं जवाब देना है उसके बारे में, या फिर मैं आपको एंड में डिस्कस करूंगी इस क्वेश्चन को. ओके, अनीश ने हमें आंसर दिया है, आशीष ने, देन अनीशा ने, देन कामराइजर ने ए आंसर दिया. बिल्कुल सही आंसर दिया है डियर. जब भी मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो वहां पे डेफिनेटली एटीपी का ब्रोकन डाउन होता है, क्योंकि मसल के कॉन्ट्रेक्शन में एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी में क्या कहाँ पर स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, सेल के अंदर. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए, सही आंसर. अच्छा, तुम जितने भी बच्चे मुझे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, मैं किसी भी बच्चे का नाम लेके ना उससे एक्सप्लेनेशन पूछ सकती हूँ. ठीक है, तो तुक्का मत लगाओ, सोच समझ के आंसर दो. विच इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल? पेक्टोरल गर्डल का पार्ट क्या है? ग्लीनॉइड कैविटी, स्टर्नम, इलियम और एसिटेबुलम. जल्दी बताओ.
पेक्टोरल गर्डल की यहाँ पे बात हो रही है, पेक्टोरल गर्डल। अगर आपको ये पता है कि पेक्टोरल गर्डल लोअर होता है या अपर होता है तो डेफिनेटली आपको ये आंसर पता होगा। ओके 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 वेरी गुड। ओके बिल्कुल सही आंसर, यस डियर। यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होता है। स्टार्टिंग में आपको बता रही थी कि हमारी जो कोलर बोन होती है, हमारी जो ह्यूमरस होती है, ठीक है, तो कोलर बोन और जो शोल्डर बोन हमारी होती है जो ट्रायंगुलर टाइप की होती है, स्कैपुलर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे जो कैविटी होती है जिसमें हमारी ह्यूमरस इंसर्टेड होती है, आर्टिकुलेट होती है, उसी कैविटी को हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। राइट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिप्ड मसल बट नॉट वॉलंटरी इन द एक्शन। इनमें से ऐसी कौन सी स्ट्रिप्ड मसल है जो कि वॉलंटरी नहीं है। स्ट्रिप तो आपको पता ही होगा, इस तरीके से मसल्स के अंदर लाइनिंग होती है, लाइक दिस लाइक दिस। तो कार्डियक, एब्डोमिनल, शेंक और रिस्ट मसल। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप। चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे डेफिनेटली कार्डियक आंसर, सॉरी कार्डियक मसल जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में दो स्ट्रिप्ड मसल होती है, एक तो आपकी स्ट्रिएटेड मसल जिनको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं लेकिन वो वॉलंटरी होती है एक्शन में, और दूसरी हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि वो भी स्ट्रिप्ड होती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं लेकिन वो इनवॉलंटरी होती हैं, मतलब उन मसल्स पर किसी का भी जोर नहीं चलता है, जहां तक कि तुम्हारे दिमाग का भी नहीं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से काम करती हैं। पार्ट ऑफ द बॉडी हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ द बोन, बोन के सिंगल पेयर, वो आपको जल्दी से बता दो, ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जहां पर सिंगल पेयर ऑफ बोन मिलती है। पेल्विक गर्डल, इंटरनल ईयर, रिस्ट और लोअर जो, सिंगल पेयर की यहाँ पे बात हो रही है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को तब भी मुझे आंसर देना। सिंगल पेयर, मोहित आप बताइए जल्दी से कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जहाँ पे मिलती है। ओके मोहित ने ए आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही। अब मुझे इसका रीजन बता दो, मैंने आपको बोला कि मैं रीजन पूछ सकते हैं, जल्दी से मुझे इसका रीजन बता दो कि पेल्विक गर्डल में सिंगल पेयर आप कैसे बोल रहे हो, जल्दी से बताओ। आंसर तो सही है आपका, रीजन बता दो मेरे को कि आप पेल्विक गर्डल में सिंगल पेयर क्यों बोल रहे हो। नो 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 कामराइजर, लोअर जो नहीं रहेगा, लोअर जो तो बेटा सिंगल होता है, सिंगल एक ही बोन है, देखो ये पेयर में नहीं है, ये एक ही बोन है, ठीक है। मैंने तभी आपको बोला था कि सिंगल पेयर, सिंगल पेयर, पेयर का मतलब होता है दो, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है, जबकि हमारा लोअर जो तो एक ही होता है, ना तो कोई राइट है ना कोई लेफ्ट है, तो लोअर जो तो नहीं होगा। रिस्ट में तो बहुत सारी हमारी बोन्स होती हैं, आपको पता होगा, जिनको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर में तो बाबा कोई भी बोन नहीं होती है, इंटरनल मिडिल ईयर के अंदर या फिर इंटरनल ईयर की तरफ आप जाते हो वहां पे हमें बोन्स मिलती हैं, ठीक है। ओके वेरी गुड काम राइजर, दो कॉक्सल बोन मिलती है, बिल्कुल सही आंसर। इस तरीके से अगर हम देखते हैं हमारा पेल्विक गर्डल तो वहां पे तीन बोन्स का फ्यूजन होता है। मैं अभी से नाम बता देती हूँ ताकि फ्यूचर में आपको आंसर में बहुत अच्छे से हेल्प मिले। तीन बोन्स का वहां पे फ्यूजन होता है, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस, और तीनों बोन फ्यूज होके एक बोन बनाती है जिसको हम बोलते हैं कॉक्सल बोन। तो एक कॉक्सल बोन हमारी लेफ्ट साइड में होती है मोहित, और दूसरी कॉक्सल बोन हमारी राइट साइड में होती है, इसलिए वहां पे क्या मिलता है, सिंगल पेयर। कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्केलेटल मसल्स एज द फॉर्मर आर, यस कामराइजर बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके तो कार्डियक मसल जो होती हैं वो स्केलेटल मसल से बिल्कुल अलग होती हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्डियक मसल्स हमारी स्ट्रेटेड होती हैं लेकिन वो होती हैं इनवॉलंटरी, ठीक है। तो ए आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया है पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज फाउंड बिटवीन स्टर्नम एंड द रिब। स्टर्नम आपको पता ही होगा क्या होता है, स्टर्नम होता है हमारी ब्रेस्ट बोन, राइट, और ब्रेस्ट बोन और रिब के बीच में एक जॉइंट होता है, एक कनेक्शन होता है, तो उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर जॉइंट, फिब्रस जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके ओके आशीष वेरी गुड डियर, तो यहाँ पर आशीष ने हमें आंसर दिया कार्टिलेजनस जॉइंट, यस माय डियर, कार्टिलेजनस जॉइंट वहां पे होता है। तो आप कई तरह के कार्टिलेज पढ़ेंगे, जैसे कि आप हाइलिन कार्टिलेज पढ़ते हो, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत तरह के कार्टिलेज होते हैं हमारी बॉडी में जो कि अलग अलग तरह के जॉइंट्स में मौजूद होते हैं या फिर उन बॉडी पार्ट्स के आसपास मौजूद होते हैं कि जो बॉडी पार्ट हमारे बहुत ही डेलिकेट होते हैं, मतलब उनको खतरा होता है चोट लगने का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंटागोनास्टिक मसल इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी एंटागोनास्टिक मसल है जो कि इनकरेक्ट है।
फ्लेक्सर, रिलैक्सर, एबडक्टर, एडक्टर, प्रोनेटर, स्पिनेटर, लेवेटर एंड डिप्रेशन। जल्दी से बताया जाए। गुड अनीशा जी, वेरी गुड, वेरी गुड डियर। यस, जल्दी से बताओ। फ्लेक्सर, रिलैक्सर, एबडक्टर, एडक्टर, प्रोनेटर, स्पिनेटर या लेवेटर और डिप्रेशर। आशीष ने आंसर दिया है। बाकी बच्चे, आशीष ने आंसर दिया है, वेरी गुड आशीष। यस माय डियर, ये एंटागोनास्टिक होते हैं जो फ्लेक्सर और रिलैक्सर होते हैं। फ्लेक्सर का मतलब, रिलैक्सर तो आपको पता ही लग रहा होगा, मतलब जब हमारी मसल्स एकदम रिलैक्स कंडीशन में जाती है तो वो रिलैक्सर होता है। ओके, और फ्लेक्सर वो होता है हमारी जो मसल्स है वो वर्किंग कंडीशन में होती है, वर्किंग एनवायरमेंट में होती है। बिल्कुल सही काम राइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन यील्ड एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट? तो वो एनर्जी आती कहाँ से? मायोग्लोबिन से आती है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट से आती है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट से आती है, या फिर मायोसिन से आती है। ओके, देखते हैं कहाँ से आती है। आशीष ने डी आंसर दिया है, मायोसिन से आती है। आर यू श्योर आशीष? फॉस्फेट से नहीं आती है? आर यू श्योर आशीष, फॉस्फेट से नहीं आती है? हमारा एडीपी के साथ फॉस्फेट कंबाइन होता है तभी तो एटीपी बनती है, याद आ रहा है कुछ? मायोसिन के हेड पर ये रिएक्शन होती है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकल जॉइंट इज, एंकल जॉइंट क्या होता है? फाइबर जॉइंट, बॉल एंड सैकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। तो एंकल आपको पता ही होगा, ठीक है? तो वो ऐसे मूव करती है वो, ठीक है? हाँ, जल्दी से बताओ एंकल जॉइंट कहाँ पर होता है? पाइवर जॉइंट, बॉल एंड सैकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, आशीष ने किया एंकल जॉइंट। जल्दी, बिल्कुल ओके, ग्लाइडिंग जॉइंट। पहले सारे बच्चे एक बार आंसर दो तो सही से, फिर मैं बताती हूँ। एंकल जॉइंट इज, चलो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो एंकल जॉइंट होता है ना, जब भी बात एंकल जॉइंट की होती है तो आपको मैं आपको बताती हूँ कि एंकल जॉइंट जो होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं। कौन से जॉइंट होते हैं? वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट के बारे में कौन से करेक्टर्स होते हैं, जल्दी से बताओ। ओके, गुड माय डियर, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड विद इनवॉलंटरी मसल्स। इनमें से ऐसा कौन सा, हाय साजिदूर, हाय डियर, हेलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड विद द इनवॉलंटरी फ्लूइड फिल्ड। बिल्कुल सही आंसर, राइट डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड विद द इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब यही होता है कि अपनी मर्जी से काम करती हैं। तो देखते हैं, साजिदूर ने हमको सही आंसर दिया है, मसल्स ऑफ यूरेथ्रा, मसल्स ऑफ आयरिस, मसल्स ऑफ डक्ट एंड मसल। यस, ये साजिदूर बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। क्यों, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है और उसकी जो ओपनिंग हमारी यूरेथ्रा में होती है, वहां पर दो तरह के वॉल्व या स्फिंक्चर मिलते हैं। अंदर वाला स्फिंक्चर जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है, ठीक है, इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स होती है, जबकि बाहर वाला जो होता है वो वॉलंटरी होता है, ठीक है। तो इसने यही बोला है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पूरी तरीके से इनवॉलंटरी मसल्स नहीं मिलती हैं। चलो, एटीपेज एक्टिविटी इज फाउंड इन मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। गुड आशीष, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साजिदूर, कोई बात नहीं, ठीक है, आप जब आए तब अच्छा। यस आशीष, वेरी नाइस। चलो, यहाँ पर एटीपेज एक्टिविटी जो आपको देखने को मिलती है वो मायोसिन फिलामेंट में देखने को मिलती है, ठीक है। आप एक बार स्ट्रक्चर ठीक से याद रखिए, इस तरीके से हमारे हेड होते हैं, ठीक है,
इस तरीके से और उसके ऊपर इस तरीके से मायोसिन होती है, तो वो कहाँ देखने को आपको मिलती है, वो मायोसिन फिलामेंट में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसेप्स आर अटैच्ड विद, आपके जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं इस तरीके से, वो किससे अटैच होते हैं, रेडियस, अल्ना, फीमर एंड ह्यूमरस। रेडियस, अल्ना, फीमर एंड ह्यूमरस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस डियर, ह्यूमरस से अटैच होते हैं, ठीक है, आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, क्योंकि बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स वो मसल्स होती हैं जो आपकी अपर लिम्स के अपर पार्ट में मिलती हैं, मतलब ह्यूमरस के आसपास मिलती हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन इम्परफेक्ट ज्वाइंट इज, इम्परफेक्ट जो ज्वाइंट होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, सूचर है, यूबिक सिम्फाइसिस है, एल्बो ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। इम्परफेक्ट ज्वाइंट का जो एग्जाम्पल है वो सूचर है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, एल्बो ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आशीष ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? ओके, श्रुति ने आंसर दिया है, आशीष ने आंसर दिया है। इम्परफेक्ट ज्वाइंट कौन से होते हैं, देखो सूचर्स की अगर हम बात करते हैं ना, देखो ध्यान से सुनो, सूचर्स क्या होते हैं, इस तरीके से हमारी जो स्कल बोन्स होती हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, दे आर द सूचर जॉइंट, जो कि परफेक्ट जॉइंट होते हैं, मतलब उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है। एल्बो जॉइंट जो होते हैं वो आपके हिंज जॉइंट होते हैं इस तरीके से, वो भी परफेक्ट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी परफेक्ट है, आपके रोटेटेबल होते हैं 360 डिग्री में। लेकिन जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ना, वो इम्परफेक्ट जॉइंट का एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्यूबिक सिम्फाइसिस आपको पता होगा वहां पे तीन तरह की जो जॉन बॉन्स होती है, जिनको कॉक्सल बोन बोलते हैं, यहाँ पर भी तीन तरह की जो जॉन इस तरह से कॉक्सल बोन होते हैं, इनको जोड़ने पर जो यहाँ पे जो जॉइंट होता है ना, उसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यस यस यस, तो यहाँ पे इम्परफेक्ट जॉइंट जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है तुम्हारा, बी, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये पूरी तरीके से परफेक्टली अटैच नहीं होता है। यस कामराज सर, आपने सही आंसर दिया, सूचर्स हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं। एल्बो जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सूचर जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। एल्बो जॉइंट कौन से होते हैं हमारे, ओके, एल्बो जॉइंट तुम्हारे हिंज जॉइंट होते हैं, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो आपके मिलते हैं शोल्डर में एंड पेल्विक गर्डल में, मतलब पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल के अगर हम जॉइंट की बात करेंगे तो वहां पर तुम्हारे बॉल एंड सॉकेट मिलते हैं, जबकि एल्बो जो होते हैं तुम्हारे हिंज जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो पता नहीं कामराइजर ने हमें ए आंसर क्यों दिया है डियर, एल्बो हमेशा हिंज जॉइंट होते हैं, 90 डिग्री में वो रोटेट करते हैं। हिंज जॉइंट का मतलब होता है कि हमेशा 90 डिग्री में रोटेट करेंगे, या तो पीछे की तरफ मतलब आगे की तरफ फ्रो मोशन होगा, या फिर उनका बैकवर्ड जैसे नी का होता है टू मोशन होगा, टू एंड फ्रो उनका मोशन होता है, ठीक है। गुड, बी आंसर। नेक्स्ट, विच सेट क्लियरली आइडेंटिफाई स्ट्रिएटेड मसल, इनमें से ऐसा कौन सा सेट है जो कि क्लियरली स्ट्रिएटेड मसल को आइडेंटिफाई करता है, आपको बताना है फीचर। हमारी स्ट्रिएटेड मसल सिलेंड्रिकल होती है, सिंसाइटियल होती है, अनब्रांच होती है, स्पिंडल होती है, अनब्रांच होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, स्ट्रिप्ड होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, या फिर सिलेंड्रिकल, स्ट्रिप एंड ब्रांच होती है। ओके, तो काम राइजर की तरफ से आंसर आ चुका है, देखते हैं क्या सही आंसर है। देखो स्ट्रिएटेड मसल जब भी हम बात करते हैं, सिलेंड्रिकल तो होती है इस तरीके से, आपको पता होगा लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रिएटेड मसल्स, इस तरीके से हमारे तो हमारी सिलेंड्रिकल होती है पूरी तरीके से, ठीक है। स्पिंडल तो नहीं होती, स्पिंडल आपकी स्मूथ मसल होती है, वो इनवॉलेंट्री मसल होती है। सिंसाइटियल होती है, यस डियर, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। सिंसाइटियल का मतलब होता है कि सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होना या मसल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होना। अनब्रांच्ड होती है, यस माई डियर, ये अनब्रांच होती है। अगर हम कार्डियक मसल की बात करते हैं तो कार्डियक मसल हमारी ऐसी मसल है जो कि ब्रांच्ड होती है लाइक दिस, ठीक है। जबकि हमारी जो ये मसल होती है ये अनब्रांच्ड होती है, ये तुम्हारा कार्डियक मसल है इस तरीके से, वो स्ट्रिएटेड होती है और वो ब्रांच्ड होती है। तो अगर जब भी हम स्ट्रिएटेड और हम स्केलेटल मसल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, वेरी नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। जॉइंट बिटवीन इंकस एंड स्टैप, तो इंकस और स्टैप के बीच में कौन सा जॉइंट है, यस अनिशा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कामराइजर, कोई बात नहीं। चलो जॉइंट बिटवीन इंकस एंड स्टैप,
इंकस और स्टेप के बीच में, अगर आपको ये पता है कि इंकस और स्टेप कहाँ पर मिलती हैं, अगर आपको ये पता है कि इंकस और स्टेप कहाँ पर मिलती है, तो आपको ये आंसर जरूर देखने को मिलेगा। जॉइंट बिटवीन इंकस एंड स्टेप, तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारी ईयर के अंदर, ठीक है, हमारी ईयर के अंदर तीन बोन होती है तुम्हारी, मैलियस, इंकस और स्टेप, ठीक है, उनके बीच में जॉइंट होते हैं, और वो जॉइंट कौन से होते हैं, बताओ बताओ बताओ, डी आंसर, बॉल एंड सॉकेट। नहीं डियर, बॉल एंड सॉकेट तो आपको पाइवट और पेक्टोरल गर्डल में होता है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल में होता है। पाइवट जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट या हिंज जॉइंट? यस ईयर ऑसिकल, यस डियर ईयर ऑसिकल। साजिदू ने सी आंसर दिया है, आर यू श्योर साजिदू सी आंसर रहेगा? यस, यहाँ पर हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर हिंज जॉइंट। अभिनव, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली जॉइंट्स पर होता है जो कि फिक्स है, लास्ट 5-6 ईयर से आप पेपर उठा के देखोगे तो एक क्वेश्चन तो जॉइंट पर आता ही आता है, और एक क्वेश्चन या तो तुम्हारे मसल पर आ सकता है या फिर तुम्हारे आ सकता है स्केलेटन के ऊपर, ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाई एनर्जी कंपाउंड इन द मसल, तो मसल्स में हाई एनर्जी कंपाउंड कौन सा है, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड क्रिएटाइन फॉस्फेट, हाई एनर्जी कंपाउंड मसल्स के अंदर। अगर आपको ये पता है कि किसी भी सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सबसे बड़ा एनर्जी का सबस्ट्रेट होता है, मतलब जहां से एनर्जी आती है, वो ग्लूकोज होता है, ठीक है, क्या होता है वो, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पे बात करी जा रही है मसल्स के अंदर, तो मसल्स के अंदर जो एनर्जी बनती है वो क्रिएटिन फॉस्फेट से बनती है। आपको मैं यहाँ पे फिर से याद दिला देती हूँ कि हमारा ADP जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है और ATP बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉस्फेट भी आ रहा है प्लस जो एनर्जी का सोर्स है वो तुम्हारा क्रिएटिन फॉस्फेट होता है, ठीक है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचर्स प्रेजेंट बिटवीन वेरियस बोन्स ऑफ स्कल आर, तो यहाँ पे देखो स्कल्स के बहुत सारे बोन्स होती हैं, उसमें सूचर्स होते हैं, उनमें जो जॉइंट होता है वो कार्टिलेजनस होता है, साइनोवियल होता है, हिंज होता है या फिर फाइब्रस होता है। हाय जी, ओके, ध्यान से देखो क्योंकि साइनोवियल जॉइंट, आशीष या फिर अनिशा, साइनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जहां पर फ्लूइड फिल्ड होते हैं, वो मतलब फ्लूइड इसमें बहुत ज्यादा भरा होता है, तो फिर से ध्यान से दो कि स्कल में कौन से जॉइंट्स होते हैं। आर यू श्योर कि फाइब्रस इसका आंसर नहीं होगा? फाइब्रस, सूचर्स हमेशा फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मुझे कामराइजर ने आंसर बताया था इसके बारे में कि सूचर्स जो होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजनस नहीं होते हैं, कार्टिलेजनस तो आपके रिप्स में मिलेंगे, ठीक है, और आपके वर्टिब्रा में भी कार्टिलेज मिलता है, रिप्स में कार्टिलेज मिलता है, तुम्हारे स्टर्नम और रिप्स के बीच में कार्टिलेज मिलता है, ठीक है। चलो, द मसल्स मस्ट हैव समथिंग रिजिड टू पुल अगेंस्ट इफ दे आर टू कॉज मूवमेंट, ठीक है, अगर उनको मूवमेंट करनी है तो वहां पे कुछ रिजिड पार्ट का होना बहुत जरूरी है। इन द केस ऑफ ह्यूमन द रिजिडिटी इज सप्लाइड बाय, इन द केस ऑफ अर्थवर्म द रिजिडिटी कम फ्रॉम, तो आपको यहाँ पे दो फिलिंदा ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करने, एक तो ह्यूमंस के बेस में वो रिजिडिटी कहाँ से आती है, दूसरा अर्थवर्म के केस में वो रिजिडिटी कहाँ से आती है। जल्दी से बताओ, देखते हैं, जब भी बात हम करते हैं ह्यूमंस की तो ह्यूमंस में डेफिनेटली एंडोस्केलेटन होता है, ये तो आपको पता होगा, एंडोस्केलेटन का मतलब यही होता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद है, बॉडी के बाहर मौजूद नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर हमारा पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, बोन्स हमारी मिलती हैं। जबकि अर्थवर्म की हम बात करते हैं तो वहां बताओ कि एंडोस्केलेटन रहेगा या फिर एक्सोस्केलेटन रहेगा या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन रहेगा, कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर? ओके, आशीष ने डी आंसर दिया, बहुत सही आंसर दिया है आशीष, मुझे उम्मीद थी। यस, यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर एंडोस्केलेटन मिलता है और जबकि अर्थवर्म के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मिलता है, सही आंसर दिया है आपने। चलिए, एस्ट्रागैलस एम कैल्केनियम
आर द पार्ट ऑफ। कैल्केनियम कहाँ मिलता है, एस्ट्रागलस कहाँ मिलता है, ये फोरलिम के पार्ट हैं, हिंडलिम के पार्ट हैं, स्कैपुला के पार्ट हैं, या फिर क्लैविकल के पार्ट हैं। लैक्टिक एसिड, ओके सी आंसर आया है। देखते हैं स्कैपुला, आर यू श्योर, एस्ट्रागलस एंड कैल्केनियम आर द पार्ट ऑफ। एस्ट्रागलस एंड कैल्केनियम दे आर द पार्ट ऑफ हिंडलिम। ठीक है, फीबिया और टिबुला जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, फीबिया एंड टिबुला हिंडलिम के ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक्टिक एसिड जनरेटेड ड्यूरिंग मसल, लैक्टिक एसिड जो कि तुम्हारे मसल्स में जनरेट होता है इज कन्वर्टेड इंटू ग्लाइकोजन इन, कहाँ पर, मसल्स के अंदर, किडनी के अंदर, पेनक्रियास के अंदर या फिर लिवर के अंदर। लैक्टिक एसिड जनरेटेड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कन्वर्टेड इंटू ग्लाइकोजन इन, ओके बी आंसर आया है। देखते हैं, नहीं डियर, यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड होता है ग्लाइकोजन में तुम्हारे लिवर में जाके कन्वर्ट होगा, ये बी आंसर नहीं है इसका डियर, लिवर में जाके कन्वर्ट होगा। आपको बहुत अच्छे से पता है ना कि हमारी जो लिवर की सेल्स होती है हेपेटोसाइट, वो स्टोरेज पार्ट होती है ग्लाइकोजन का, तो जब भी कोई भी ग्लाइकोजन कहीं पे भी बन रहा है या कन्वर्ट हो रहा है वो सबसे पहले तुम्हारे लिवर में जाके स्टोर हो जाएगा, तो मत भूलो इस बात को, लिवर में जाके स्टोर होगा। ठीक है, The hinge joints are, hinge joints क्या होते हैं, हाई एक खान हेल्थ एंड बेनिफिट टिप्स, हाई हिंज ज्वाइंट आर साइनेबल ज्वाइंट परमिट मूवमेंट इन वन साइड आर फाउंड इन नी ऑल ऑफ द एबव। देखते हैं कितने बजे सही आंसर देते हैं इसका। ओके तो डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड डियर। यहाँ पर हिंज जॉइंट जो होते हैं डेफिनेटली वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, वो मूवमेंट एक डायरेक्शन में करते हैं, ये बात भी सही है, या तो टू एंड मोशन रहेगा या फिर फ्रो मोशन रहेगा, ठीक है आगे या पीछे। ये नी में प्रेजेंट होते हैं, ये बात भी सही है, नी एंड एल्बो के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, राइट, तो डेफिनेटली हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, मैमल्स के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो 7 होती है, 9 होती है, 1 होता है या फिर 12 होता है। ओके यस साजिदुल सही आंसर दिया है आपने, हाय उमर, आशीष ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर आशीष, साजिदुल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यस नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो 7 होती है, ह्यूमंस के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, नेक में जितने नंबर ऑफ बोन्स होती है ना, अनिशा ने सही आंसर दिया है, यस अनिशा 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा तुम्हारी होती है, नॉर्मल जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारी एडल्ट के अंदर 26 होती है, याद आ रहा है, तो 26 में से 7 तुम्हारी सर्वाइकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, तो एटलस है और एक्सिस है, ये दोनों की दोनों वर्टिब्रा कॉलम या हमारी बैकबोन की बोन होती है, उसके बीच में जॉइंट कौन सा होता है, पाइवट होता है, सैडल होता है, एंगुलर होता है या फिर हिंज होता है। आशीष ने सही आंसर दिया है, गुड वेरी गुड आंसर, यस यहाँ पर पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है तुम्हारे एटलस और एक्सिस के बीच में, सही आंसर, कीप इट अप, गुड वेरी गुड। मस्कल आर अरेंज्ड,
मसल्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स, जो मसल्स पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, एनेबलिंग देम टू परफॉर्म ऑपोजिंग मूवमेंट, डबलिंग देयर स्ट्रेंथ सो दे कैन टर्न कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रेस्टिंग, सो इफ वन इज इंजर्ड देन अदर देन कैन टेक ओवर. जल्दी से बताइए. मसल्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स. ओके, अगर मसल्स पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर एक इंजर्ड हो जाती है तो क्या दूसरी उसका पार्ट कर सकती है, उसका काम कर सकती है? जब भी मसल्स हमारी पेयर्स में अरेंज होती हैं तो क्या होता है, वो ऑपोजिट मूवमेंट में काम करती हैं. देखो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, याद करो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स. बाइसेप्स जो मसल्स होती हैं वो आपके इधर, मतलब आपको पता होगा ह्यूमरस के ऑपोजिट साइड में, मतलब एक साइड में बाइसेप्स प्रेजेंट होती हैं, दूसरी साइड में ट्राइसेप्स प्रेजेंट होती हैं. उनका काम यही होता है कि ताकि वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूवमेंट बहुत ही इजी करवा सके, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूवमेंट उनकी इजी हो जाए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन एंटायर स्केलेटल मसल इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्शन की जो हमारा जो स्केलेटल मसल्स, आपको पता है कहाँ कहाँ पर होते हैं, हमारे लिम्स के अंदर स्केलेटल मसल्स होते हैं, चाहे वो हमारे अपर लिम्स हो आशीष, या फिर लोअर लिम्स हो, या फिर तुम्हारा जॉ बोन हो, तो यहाँ पे कौन सी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं. तो उनकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड होती है, मतलब कहाँ से उनको इतनी मजबूती मिलती है, उनके कॉन्ट्रैक्शन कितना तेज होगा, धीमे होगा, एवरेज होगा, स्लो होगा, मतलब जिस तरह का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है. नंबर ऑफ मसल फाइबर्स दैट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर, नंबर ऑफ एक्टिव क्रॉस ब्रिजेस इन वन मसल फाइबर, या फिर ऑल ऑफ द अबव. जल्दी से बताइए. थैंक यू एसआरए खान, बिल्कुल थैंक यू सो मच. बताइए फटाफट से बताइए यहाँ पर ऑल. ओके, वेरी गुड आशीष, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. डी इज द करेक्ट आंसर. यस, तो हमारी जितनी भी मसल फाइबर होती है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो डेफिनेटली कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा. डेफिनेटली हर मसल फाइबर की जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, प्लस जितने भी हमारे एक्टिव क्रॉस ब्रिजेस वहां पे बनते हैं, आपको पता होगा इस तरीके से तुम्हारे ग्लोबुलर हेड के ऊपर इस तरीके से दूसरा हमारा फिलामेंट होता है, इसकी वजह से हम एक्टिव ब्रिज उसको हम बोलते हैं, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है. राइट, गुड. ओके आयशा, बिल ओके जी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ बॉडी हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ बोन. जल्दी से बताओ. अच्छा ये तो हमारा हो चुका है ना. हाँ ये तो हो चुका है, इसको मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ स्ट्रिएटेड मसल. स्ट्रिएटेड मसल की जो फंक्शनल यूनिट होती है, और प्लस वो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम में प्रेजेंट होती है, सार्कोमियर, जेड में सार्कोमियर, मायोब्रिज. यस आशीष, पहले वाले क्वेश्चन का पहले भी क्या सही आंसर दिया है आपने, लेकिन आपको ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कौन सी है. ये साजिदो सही आंसर दिया है आपने. यस माय डियर, यस ओके. आयेशा ने ए आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया. सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रिएटेड मसल. यस, हमारी सार्कोमियर होती है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि हमारी जो जेड लाइन होती है, जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है इसको हम सार्कोमियर बोलते हैं, और उसी पोर्शन में वो सारे ब्रिजेस बनते हैं, या फिर हमारी दोनों टाइप की जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से मतलब मूव करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो साइज ऑफ ए बैंड रिमेन द सेम, साइज ऑफ एच जोन बिकम द स्मॉलर, साइज ऑफ आई बैंड डिक्रीज, एंड ऑल ऑफ द एवर. जल्दी से बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि हमारा डिक्रीज होता है, या इंक्रीज होता है, या छोटा हो जाता है, या फिर बड़ा हो जाता है, या सेम रहता है. ओके आयशा ने आंसर दिया है, आर यू श्योर आयशा, जल्दी से याद करने की कोशिश करो. कौन से बैंड हमारे डिक्रीज होते हैं, कौन से बैंड हमारे सेम रहते हैं, और कौन सा पार्ट हमारा जो जॉन है वो छोटा बन जाता है. ए आंसर दिया है, देखते हैं. यस 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 यस, आर यू श्योर कि डी इसका आंसर नहीं होगा. आर यू श्योर डी आंसर नहीं होगा. देख लो एक बार सारे बच्चे, फिर मुझे आंसर दो. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन
size of A band remains same, size of H zone becomes smaller, size of I band decrease. चलो सही आंसर दिया बच्चा ने, साइज ऑफ ए बैंड रिमेन सेम, सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टिशेप्स एंड गैस्ट्रोस. ओके सम स्पेलिंग इज रॉन्ग, सम स्पेलिंग इज रॉन्ग. चलो फिर देखते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते, स्पेलिंग इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमैटिक बॉन्ड्स आर फाउंड इन, कहां पर हमारी न्यूमैटिक बॉन्ड्स मिलती हैं, न्यूमैटिक बॉन्ड्स कहां पर मिलती हैं? लिजार्ड के अंदर मिलती है, पिजन के अंदर मिलती है, फ्लाइंग फिश के अंदर मिलती है, या फिर फ्रॉग के टेडपोल के अंदर मिलती है. नीट में भी ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे ना आपको, कंफ्यूजन में रहेगा ना, आपके दो तरह के दिमाग होते हैं, आपको पता है ना, एक कॉन्सियस एक सबकॉन्सियस, ठीक है, और आपके दोनों दिमाग में लड़ाई चलेगी जब आप नीट के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, किसका आंसर ए होगा या फिर डी होगा, बी होगा या सी होगा, ए होगा या सी होगा. ओके तो यहाँ पे न्यूमेटिक बॉन्ड्स जो होती है डियर, वो पिजन में होती हैं, ठीक है. न्यूमेटिक बॉन्ड्स हमारी बर्ड्स में प्रेजेंट होती है. अब बर्ड्स में भी अगर हम बात करते तो आप बोल सकते हो कि एप्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. तो हमारी जो न्यूमेटिक बॉन्ड्स होती हैं वो एप्स में प्रेजेंट होती हैं, हाँ ठीक है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा पिजन रहेगा, राइट डियर, पिजन. गुड, वेरी गुड, पिजन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन बोथ अ स्केलेटल मसल सेल एंड द कार्डियक मसल सेल, ठीक है. इनमें से ऐसी कौन सी चीज है कि ना तो आपको स्केलेटल मसल सेल में मिलेगी ना ही कार्डियक मसल सेल में मिलेगी? एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन बाइंडिंग साइट, पोटेशियम चैनल that closely slowly after an action potential, large number of mitochondria. आप आंसर दो. मेरा पेन गायब हो गया. ए? आंसर तो नहीं आया मेरे पास, यहां पे जल्दी से बताओ. बी, एक्टिन एंड मायोसिन. देखते हैं, आयशा ने भी आंसर दिया है, रहमान ने भी आंसर दिया है, साजिद ने. चलो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो स्केलेटल मसल होती हैं या फिर जो कार्डियक मसल होती हैं वहां पर पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो क्लोजली प्रेजेंट नहीं होते हैं. साजिदूर ने डी आंसर दिया. बेटा चाहे हमारी स्केलेटल मसल हो या फिर कार्डियक मसल, मसल कोई भी हो, हर मसल के अंदर लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते ही हैं. ये बात तो है, सच है, सच है. लेकिन आपने बोला है कि इसमें से कौन सी चीज नहीं हो सकती, ठीक है प्रियाली. इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी चीज नहीं हो सकती है, ये बताना है. हो कौन सी सकती है, ये तो करेक्ट है, ये तो हो सकती है. एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों की तीनों होते हैं. लेकिन जो पोटेशियम वाला पार्ट है ना, पोटेशियम चैनल, वो नहीं मिलते हैं, ठीक है. यस, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा आशीष, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है आंसर. हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है. स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स आर फाइंड इन, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स कहाँ मिलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मिलते हैं, लंग्स के अंदर मिलते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर मिलते हैं, या फिर लेग मसल के अंदर मिलते हैं? ओके, गॉल ब्लैडर देख लो एक बार, ढंग से देख लो. सी, बायोलॉजी लवर ने भी सी आंसर दिया है. इसका मतलब यह है कि जो गॉल ब्लैडर है
आपके कहने पर मूव काम करता है। जिन बच्चों ने मुझे डी आंसर दिया है, मतलब सी आंसर गॉलब्लैडर आंसर दिया है, इसका मतलब ये है कि गॉलब्लैडर आपके कहने पर मूव करता है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो लेग मसल रहेगा, ठीक है, लेग मसल रहेगा। पता नहीं कभी गॉल ब्लैडर बोल रहे, यूरिनरी ब्लैडर, स्टेटेड मसल का एक ही फंडा है कि आपकी मर्जी से काम कर रही है वो मसल, लिम्स में रहता है वो, आपकी मर्जी से काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज नो स्केलेटन, इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें कोई स्केलेटन होता ही नहीं है, स्पंज, बटरफ्लाई, जेलीफिश या स्टार फिश, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें स्केलेटन होता ही नहीं है। यस आशीष, यस बायोलॉजी लवर, मुझे मिल चुका है आपका आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, साचित ने ए आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर। फिर से देख लो एक बार, स्केलेटन बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जब हम स्पंज की बात करते हैं साजिद, तो आपको पता होगा कि वहां पे स्केलेटन होता है, कैलकेरियस स्केलेटन होता है, स्पेक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो कैलकेरियस स्पेक्यूल्स होते हैं या सिलीसियस स्पेक्यूल्स होते हैं, तो आउटर स्केलेटन वहां पे प्रेजेंट है डियर। देखो जरूरी तो नहीं है ना साजिद कि स्केलेटन हमेशा बोन्स का बना हो, ये बात तो नहीं लिखी है ना किसी किताब में, या स्केलेटन मसल्स का ही हो या बोन्स का ही हो। तो एक बार ढंग से सोच लो कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें स्केलेटन नहीं होते हैं। स्पंज में आप बात करो तो कैलकेरियस स्पेक्यूल्स होते हैं वहां पर, और स्पेक्यूल्स ही उनका स्केलेटन होता है। बेटा मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रियाली ने डी आंसर दिया, स्टारफिश, स्टारफिश में भी स्केलेटन होता है डियर। प्रियाली, स्टारफिश में भी स्केलेटन होता है, बटरफ्लाई में भी स्केलेटन होता है, बटरफ्लाई में तो बोन्स ही प्रेजेंट होती है, आउटर स्केलेटन होता है उसमें, काइटीन का बने होते हैं। बटरफ्लाई जो है कि तुम्हारी आर्थ्रोपोडा है, तो आर्थ्रोपोडा में तो काइटीनस स्केलेटन होता है, अगर आपको याद आ रहा हो काइटीनस स्केलेटन वहां पे प्रेजेंट होता है। व्हाट यू थिंक अबाउट द जेलीफिश, व्हाट यू थिंक अबाउट जेलीफिश, स्पंज कंटेन स्केलेटन, करेक्ट आंसर, सही 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 आंसर दिया है आपने। जेलीफिश में स्केलेटन नहीं होता है, जेलीफिश के अंदर स्केलेटन नहीं होता, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये जो मैंने बटरफ्लाई पे आंसर लगाया था वो इसका लगाया था कि बटरफ्लाई के अंदर स्केलेटन होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स बैंड अ पार्ट ओवर अनदर, हाँ सही है, आगे, इनमें से ऐसा कौन सा मसल का पार्ट है जो कि दूसरी बैंड पर बैंड होता है, इसे प्रेजेंट होता है। आशीष ने आंसर दिया है, वेरी गुड आंसर, यस फ्लेक्सर होता है, सही आंसर दिया है आपने। फ्लेक्सर रिलैक्सर दो तरह के पार्ट होते हैं, तो फ्लेक्सर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके प्रियाली, आपका आंसर मुझे मिल चुका है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय साजिद आज का, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं।
ओके ओके हक्सले एंड हक्सले सही बात, स्लाइडिंग थ्योरी जो दी गई थी हक्सले एंड हक्सले से दी गई थी, सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टॉइड रिजेस अकर इन, डेल्टॉइड रिजेस जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, रेडियस में मिलते हैं, अल्ना में मिलते हैं, फीमर में मिलते हैं या ह्यूमरस में मिलते हैं? डेल्टॉइड रिजेस कहाँ मिलते हैं, रेडियस में, अल्ना में, फीमर में या ह्यूमरस में? डेल्टॉइड रिजेस आपकी ह्यूमरस में मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो बोन होती है ह्यूमरस, इसके बाद दो बोन हमारी यहाँ पे होती है, एक रेडियस और अल्ना, जो डेल्टॉइड रिजेस होते हैं वो तुम्हारे ह्यूमरस में मिलते हैं। ओके चलो, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स वो मिलते हैं लार्ज ब्लड सेल की वॉल में, इंटेस्टाइन की वॉल में, स्टमक की वॉल में या फिर यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में। बी आंसर आया है मेरे को, जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल जो होती है ना बेटा, वो तुम्हारे ब्लड वेसल में मिलती हैं, ब्लड वेसल में। याद करो हमारी जितनी भी वेन्स होती हैं या फिर हमारी आर्टरीज होती हैं, आपको पता होगा कि वेन्स और आर्टरीज में जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं, और इनका काम यही होता है कि वो ब्लड प्रेशर के टाइम पे, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मसल्स, और कॉन्ट्रेक्शन के होने की वजह से ही वहां पे जो ब्लड का है वो फ्लो लगातार बना रहता है, ठीक है। इंटेस्टाइन, स्टमक और यूरिनरी ब्लडर की जब ये बात करते हैं तो वहां पे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट, फेलिंजियल फॉर्मूला ऑफ हैंड ऑफ अ मैन, इस तरीके से, ठीक है, हैंड होता है वहां पे इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। तो जल्दी से बता दो फेलिंजियल फॉर्मूला क्या होता है। करेक्ट साजिद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही टाइप की मसल्स होती है वहां पर, साजिद ने सही आंसर दिया है। हमारे स्टमक के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की मसल्स होती हैं, मल्टी यूनिट नहीं होती हैं। तो फेलिंजियल फॉर्मूला जो होता है हैंड का, तो थंब में हमारे दो होते हैं, उसके बाद तीन, चारों फिंगर्स में तीन तीन होते हैं, ठीक है। तो सी जो है वो सही आंसर है, थंब में हमारे दो हैं, बाकी चारों फिंगर में तीन तीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेन इज पुलिंग ऑफ, स्प्रेन क्या है, बोन की पुलिंग है, मसल्स के लिगामेंट की पुलिंग है, कार्टिलेज की पुलिंग है या फिर ऑल ऑफ द अबव? स्प्रेन जो है वो किसकी पुलिंग है, बोन की, लिगामेंट्स की, कार्टिलेज की या फिर सभी की? यस आशीष करेक्ट हो। The answer, स्प्रेन जो होता है वो मसल्स, लिगामेंट जो होते हैं ना उसकी पुलिंग होती है, ये बोन की तो नहीं होती है, ठीक है। बोन का तो कुछ लेना देना नहीं है स्प्रेन से, कार्टिलेज का भी कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं ना उसकी पुलिंग अगर हो जाती है, जितने भी मतलब फाइबर्स आप बोल सकते हो, तो फाइबर्स की अगर पुलिंग हो जाती है तो वो स्प्रेन होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि लिगामेंट का काम होता है कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, ठीक है। तो स्प्रेन में क्या होता है, मस्कुलर डैमेज ही होता है, वो लिटिल मस्कुलर डैमेज होता है। हाँ साजिद, आई नो, नहीं है तभी तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। फॉरेमन मैग्नम अकर्स ऑन, कहाँ मिलता है फॉरेमन मैग्नम, लेटरल साइड ऑफ स्कल, पोस्टीरियर साइड ऑफ स्कल, एंटीरियर साइड ऑफ स्कल, न्यूरन कैनाल? फॉरेमन मैग्नम कहाँ मिलता है,
तो फॉरेवर मैग्नम आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि ये आपके स्कल में मिलता है, ठीक है, और स्कल के भी पोस्टीरियर साइड में मिलता है। आपको पता होगा पोस्टीरियर साइड में कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है, डाइकोंडाइलिक स्ट्रक्चर हमारा स्कल है, तो वो दोनों कॉन्डाइल्स पर हमारी बोन्स टिकी हुई है। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन है ना, वो इस तरीके से दो कॉन्डाइल्स पर टिकी हुई है, इस तरीके से हुक जैसी स्ट्रक्चर हमारे पोस्टीरियर स्कल से निकलती है। तो जो डिप्रेशन वहां पे प्रेजेंट होता है ना डियर, उसी डिप्रेशन को हम फॉरेमर मैग्नम बोलते हैं। याद आ रही है कुछ? यस, उसी डिप्रेशन को, मतलब उसमें जो गड्ढे होते हैं वहां पे जो डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, उसी डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फॉरेमर मैग्नम। ठीक है, न्यूरल कैनाल नहीं होगा साचित, साचित न्यूरल कैनाल नहीं होगा, फॉरेमर मैग्नम जो है वो स्कल में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिन फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड मसल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। यस तबू, बिल्कुल सही आंसर दिया है, फॉरेमर मैग्नम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। आपने सही आंसर दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके ऑप्शन में नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके स्कल के बैक वाले पोर्शन से बाहर निकल कर आती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्कल, पोस्टीरियर मतलब बैक वाला साइड। यस, नेक्स्ट, क्रिएटिन फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स ऑफ वर्टिब्रेट, मसल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट। ओके, तो मुझे बी आंसर आया है, सी आंसर आया है, मुझे नहीं पता है, जल्दी 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 बताओ कि कौन सा आंसर है यहाँ पर, बी होगा या सी होगा। तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिएटिन फॉस्फेट जो होता है वो मसल होता है। किसका मसल होता है? वर्टिब्रेट का मसल होता है, ठीक है तब्बू। क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो वर्टिब्रेट मतलब हम लोग जो हैं हमारी मसल्स में मिलता है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वो एनर्जी का सोर्स होता है मसल्स के अंदर, ये एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल्स, ठीक है, मसल्स के अंदर क्या है, ये एनर्जी का सोर्स है तब्बू। ओके, यस आशीष, नेक्स्ट, जॉइंट बिटवीन बोन ऑफ ह्यूमन स्कल, तो ये वाला तो हमारा हो चुका है ना, ये वाला तो मत करिए आप, ये वाला करिए, रेड मसल फाइबर्स आर रिच इन, रेड मसल फाइबर्स आर रिच इन गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम। रेड मसल फाइबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं गोल्गी बॉडी में, प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में, प्रेजेंट होते हैं या फिर राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आशीष ने सही आंसर दिया है, तब्बू ने भी सही आंसर दिया है, रेड मसल फाइबर जो होते हैं वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि जो रेड मसल फाइबर है उसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, और जिस भी मसल फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी ना, उस वो ज्यादा लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उसके पास एनर्जी का सोर्स ज्यादा है। इन द गिवन फिगर ऑफ द पेल्विक गर्डल स्ट्रक्चर मार्क्ड एज 1, 2, 3, 4 and 5, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि 1 वाला क्या है, 2 वाला क्या है, 3 वाला क्या है, 4 वाला क्या है, 5 वाला क्या है। 1 वाला पीयूवीस है, एसिटाबुलम है, 2 वाला, 3 वाला तुम्हारा इलियम है, देन इस्टियम है, देन पीयूवीस सिम्फाइसिस है। एक बार देख लेते हैं, आशीष बताइए क्या आंसर रहेगा। मैंने देख लिया आपका आंसर, आपने जो आंसर दिया है, ओके, तो यहाँ पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि जो बोन्स का अरेंजमेंट होता है ना तुम्हारे पेल्विक गर्डल में, वो इस तरीके से होता है, इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस, ठीक है। तो जो पहली बोन है वो डेफिनेटली इलियम रहेगी आपकी, हमेशा याद रखना, वो कौन सी बोन रहेगी आपकी, पहली बोन तो ये वाली बोन तो इलियम रहेगी। उसके बाद जो दूसरा उसने पूछा है ये एसिटाबुलम है, ठीक है,
थर्ड वाला जो पार्ट है ईस्टियम इसमें नहीं दिया हुआ, थर्ड वाला जो पार्ट है वो आपका प्यूबिस है, ठीक है। फोर्थ वाला जो पार्ट है आपका वो ईस्टियम है, और फिफ्थ वाला पार्ट, इस पार्ट को जहां पे दोनों कॉक्सल बोन इस तरीके से आके ज्वाइंट हो जाती हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्यूबिक इम्फाइसिस। ओके, हाँ आशीष दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। टू हंड्रेड परसेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर। कोई भी एक बंदा है जो कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर से सफर करता है, उसके केस में कोई भी एज रिलेटेड डिसऑर्डर एक्स है। एक सेकेंड ना, एक मिनट आप होल्ड करो जरा। ओके, तो किसी बंदे को एक डिसऑर्डर है और उस डिसऑर्डर का काम है कि बोन मास हमारा डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा? डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। सही बच्चा, सही बोले आप। इन द गिवन डायग्राम ऑफ स्कल, स्कल का एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट डज वन रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे जो वन है, अच्छा आई डोंट नो, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, ये वाला क्वेश्चन करो तुम, ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। कौन सा नहीं समझा बेटा? जो नहीं समझा है मुझे ऐसे मार्क करके बता दो कि ये वाला समझ नहीं आया। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्चुअली डायग्राम नहीं है, तो ये वाला मत करो क्योंकि ये डायग्राम पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम नहीं है, डायग्राम एब्सेंट है। ये वाला तुम क्वेश्चन कर सकते हो। लॉन्ग यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन डायफ्राम में, एलिमेंट्री केनाल में, टंग में या फिर आई में। लॉन्ग यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? डायफ्राम में मिलती हैं। इसके पिछले वाला फिगर, अच्छा फिगर की बात कर रहे हो आप, फिगर की बात कर रहे हो ना। मैं आपको ना फिगर एक बार ढंग से दिखा देती हूँ सारे बच्चों को, ठीक है। ये देख, फिगर देख लो आप। पहले फिगर देख लो आप, उसके बाद मेरे से पूछ लेना। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, अगर आपको समझ आ रहा हो कुछ। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, पहले वाला, ये वाला तो इलियम होता है, हमेशा याद रखना इलियम, ठीक है। और जो ये वाली बोन होती है ना, ये वाली बोन, इसको हम ईस्टियम बोलते हैं, इस वाली बोन को ईस्टियम बोलते हैं, ठीक है। जो ये वाली बोन है, सेकेंड वाली जो बोन है, सॉरी थर्ड वाली जो बोन है, ये वाली इस वाली को हम प्यूबिस बोलते हैं। इलियम, ईस्टियम, प्यूबिस। अब जो ये दोनों बोन का, मतलब दोनों कॉक्सल बोन का जो कनेक्शन पार्ट होता है, उसको हम प्यूबिक इम्फाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब बचा कौन सा? सेकंड लेबलिंग। सेकंड लेबलिंग जो है वो किसकी? एसिटाबुलम की है।
आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़े फटाफट से, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज इनकरेक्ट, इनमें से ऐसा कौन सा मैच है जो कि इनकरेक्ट होता है। 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम बट जॉइन द 6th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। फिब्रस जॉइंट फ्लैट स्कल बोन विच फ्यूजेस एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स टू फॉर्म द क्रेनियम। Increases in the calcium level iron leads to the binding of calcium with the subunit of troponin on the actin filament and thereby remove the masking of the active site for the myosin. Okay, तो देखते हैं यहाँ पे। Eighth, ninth, and tenth pair of the ribs do not articulate directly with the sternum, but they join the 6th rib. ये की गलत है, इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पूछा है। जब भी हम बात करते हैं 8th, 9th और 10th की, वो 6th के पे आर्टिकुलेट नहीं होती है, वो 7th के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, वो 7th से कनेक्टेड होती हैं। तो इस हिसाब से तो हमें यही गलत लग रहा है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं, अगले वाले पढ़ लेते हैं। ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। डेफिनेटली जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है वो शोल्डर जॉइंट में प्रेजेंट होती है, ये बात सही है, ये वाला तो सही है। ठीक है, इसके बाद फिब्रस जॉइंट जो होते हैं वो फ्लैट स्कल बोन विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू, ये वाला भी सही है, फाइब्रस जॉइंट हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं। इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट, ये भी सही है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इनकरेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, यस फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तुमको डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में ये बोला गया है कि राइट पेक्टोरल गर्डल एंड द अपर आर्म फ्यू मार्क्ड एज अ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से मेरे को बता दो यहाँ पे आशीष एंड बाकी बच्चे, जल्दी 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 के फर्स्ट वाला क्या होगा, सेकेंड वाला क्या होगा, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला एंड सेवन्थ वाला। तो पहले वाला तो देखो आप, ये तो आपका कोलर बोन है, ठीक है कि नहीं है। पहले वाला जो है आपका कोलर बोन है, या फिर आप बोल सकते हो कि ठीक है। इसके बाद सेकंड, सेकंड वाला जो है वो आपका है तुम्हारा शोल्डर, जो शोल्डर बोन होती है ना पीछे वाली जो होती है स्कैपुला, जिसको हम बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, थर्ड वाली जो है वो ह्यूमरस है, ये तो पता ही होगा। फोर्थ वाली जो है वो रेडियस है और फिफ्थ वाली जो है वो अल्ना है। तो फोर्थ वाली ये वाली रेडियस है, फिफ्थ वाली अल्ना है। ठीक है, इसके बाद जो सिक्स दिया हुआ है वो तुम्हारे क्या है, वो तुम्हारे कार्पल्स, और सेवन्थ वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा मेटाकार्पल्स। तो मैं एक बार आपको डायग्राम जूम करके दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मेरे को आंसर बताना। तो जल्दी 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 मेरे को बता दो कि फर्स्ट वाला क्या है, इसके बाद सेकंड वाला क्या है, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स एंड देन सेवन। ठीक है, चलो मेरे को चेक करने दो, अगर आपने डायग्राम ठीक से देख लिया है। मैं बैक जाती हूँ और देखती हूँ कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। यस, तो ऐसे केस में हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर डी या ही आ रहा है। तो पहली कोलर बोन जिसको हम क्लेविकल बोलते हैं, कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। सेकेंड जिसको हम शोल्डर बोन, या आप उसका जो स्कैपुलर ट्रायंगुलर बोन होती है, इसको हम शोल्डर ब्लेड जिसको हम बोलते हैं, वो हो गया। इसके बाद थ्री ह्यूमरस, देन रेडियस, देन अल्ना, कार्पस एंड मेटाकार्पस। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सही आंसर। नेक्स्ट, ओके, सो अपॉन प्रिवेंटिंग एसिटाइल कोलाइन फ्रॉम डिफ्यूजिंग अक्रॉस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वहां पे एसिटाइल कोलाइन हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपको पता ही होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन, ये डिफ्यूज होता है। तो नो एक्शन पोटेंशियल विल बी प्रोड्यूस इन द अफेक्टेड मसल फाइबर, ब्यूटी बोन, या ये तो है ब्यूटी बोन बोलते हैं क्लेविकल को।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम आयन इनटू द साइटोप्लाज्म. मायोसिन विल नॉट बाइंड टू एक्टिन इन द अफेक्टेड मसल फाइबर एंड द अफेक्टेड मसल फाइबर विल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए रहेगा. कोई भी एक्शन पोटेंशियल अफेक्टेड मसल फाइबर में काम नहीं करेगा अगर हम एसिटाइल कोलाइन को डिफ्यूज ना होने दें. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल होगा ही नहीं क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है. राइट, इन द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस मार्क्ड एज 1, 2, 3, 4 and 5. द क्रॉस विजेस फॉर्मेशन, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस विजेस, स्लाइडिंग 5 ATP, क्रॉस विजेस, क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन, 3 स्लाइडिंग, रोटेशन, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, 5 ATP, क्रॉस ब्रिजेस, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, स्लाइडिंग. जल्दी से बताओ मेरे को यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है. आशीष, हमारी स्पेशल क्लास शाम को 7:30 बजे है. फर्स्ट वाला क्या होगा, देन सेकेंड वाला क्या होगा, ठीक है, एंड देन थर्ड वाला क्या होगा. नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देती हूँ, ये वाला कर लो आप. क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी हमारे पास. चलो मैं जल्दी से पहले एक बार आपको बता देती हूँ कि हमारी स्पेशल क्लास कब होगी. तो स्पेशल क्लास हमारी जो अनअकैडमी पे होती है वो 7:30 बजे होती है, तो सारे बच्चे वहाँ पे टाइम पर ज्वाइन करना. ठीक है, वहाँ पे हम क्या करने वाले, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि जिन जिन बच्चों की ह्यूमन फिजियोलॉजी वीक है, जिन जिन बच्चों की ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत वीक है, ठीक है, उस क्लास में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बहुत सारे MCQ करने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं. ठीक है, तो जिन बच्चों की वीक है या रिवाइज करनी है या प्रैक्टिस करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू द स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे, जो कि 7:30 बजे होगी. ठीक है डियर. अरे अब तुम्हारे काम के क्वेश्चन नहीं रहे, अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. ठीक है, और हाँ एक और अनाउंसमेंट है कि सारे बच्चे नीट अकेडमी 101 जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ द अन अकेडमी, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल और जल्दी से सारे बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को फटाफट फटाफट फटाफट. ओके, और उसके बाद जिन जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट नहीं लिखा है तो वो जल्दी जल्दी से सारे टेस्ट को लिख लीजिए. और इसके बाद हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा ये ऑफर है नीट यूजी प्लस IIT, यानी जो बच्चे नीट और IIT का दोनों का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आई अनअकैडमी. 2 साल का ये ऑफर है, मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है सिर्फ 60,000 में, और ये सिर्फ 16 जुलाई तक वैलिड है. इसके अलावा नीट यूजी जुलाई जंबो ऑफर क्या है कि यहाँ पर जितने भी प्राइसेस थे ना 1 ईयर और 2 ईयर के, सारे प्राइसेस जो है वो डिस्काउंट होकर आपको सिर्फ 10% ऑफ यहाँ पे मिलेगा, 20% ऑफ यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, और आपको क्या करना है, कोई भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप सिर्फ मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज JSNEET फॉर एडिशनल डिस्काउंट. कुछ डिस्काउंट आपको अनअकैडमी दे रहा है, कुछ डिस्काउंट हमारे कोड से आपको मिल जाएगा. तो नर्चर कोड, उसके बाद अरोहन बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, उसके बाद संजीवनी बैच है, अतुल्य बैच है, और उसके बाद ऑल इंडिया रिवीजन कैंप एंड मॉक टेस्ट हमारे यहाँ पे हो गया है. तो जिन जिन बच्चों को डाउट है कि क्या वो अभी भी नीट का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आप यहाँ पे फ्री एनरोल कर सकते हैं. ओके, और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एक फाइनल बूस्ट यहाँ पे दे सकते हैं. और आपको क्या करना है, सिर्फ मेरा कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज JSNEET. तो प्लस और जो आइकॉनिक हमारे बैचेस हैं या सब्सक्रिप्शन है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. और ये एडवांटेजेस बेटा ये हैं कि मतलब
इनटू स्टार्टिंग से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक का जो आपका सफर है उसमें अनअकैडमी आपको एंड तक साथ रहता है। सारे बेस्ट एजुकेटर जो है वो आपको हमेशा साथ देते हैं, आपका हमेशा साथ निभाते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है, ऑल दीज एजुकेटर्स आर अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो यूट्यूब पे तो हमारी क्लासेस आपको फ्री मिल ही रही है, स्पेशल क्लासेस भी आपको फ्री मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना है, आपको अपनी सिलेक्शन को पक्का करना है, तो यू कैन ज्वाइन एनी बैचेस इन द अनअकैडमी, जितने सारे बैचेस आपके अवेलेबल हैं। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही बच्चा, ठीक है आशीष एंड बाकी सारे बच्चे, फिर आपको मिलते हैं कल। कल की क्लास जो है हमारी शाम की रहेगी, तो आप, मैं आपको टाइम बता दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा कि कब हमारी क्लासेस रहेंगी। लेकिन सबसे पहले आप हमारी स्पेशल क्लास ज्वाइन करिए जो कि हमारी 7:30 बजे है आज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और वहां पे जाके मेरी प्रोफाइल को सर्च करके जस्ट सर्च एंड फॉलो मी, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं तब्बू एंड अदर पीपल, कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि कब कब हमारी क्लासेस आने वाली हैं, और मेरी सारी रिकॉर्डेड क्लास आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सर्च मी देयर ज्योति शर्मा इन द नीट यूजी कैटेगरी एंड देन स्टार्ट टू फॉलो मी एंड अटेंड माय ऑल सेशंस ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, वो भी फ्री में, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू बच्चा, ओके बाय 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 बाय, ठीक है। मिलते हैं आपको कब, आज शाम को 7:30 बजे अनअकैडमी पर। बाय बाय बच्चा।